हेलो एवरीवन, वेलकम। आई एम अगेन हियर विद द न्यू रिएजेंट विच इज कॉल्ड फिटिजोन्स रिएजेंट। तो हमारे पास जो फिटिजोन्स रिएजेंट है, ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारे पास है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, ये तो मैंने आपको पहले बताया, कि जो दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद का क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है। तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, देखो अब इसका इस फैटिजोन रिएजेंट लिखा मिलता है एग्जाम में या नहीं लिखा मिलता है, इसकी जगह आपको ये भी लिखा मिल सकता है क्या, Ag2CO3 एंड सिलाइट। अगर ये लिखा होता मिलता है तो इसका मतलब क्या है, फैटिजोन रिएजेंट है। सिलाइट क्या होता है, SiO2, इसको बोलते हैं सिलाइट। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये भी लिखा मिलता है तो वो भी क्या है, फैटिजोन रिएजेंट है। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, 1 डिग्री ओल को एल्डिहाइड में चेंज करता है और 2 डिग्री ओल को टोन में चेंज करते हैं। तो सिंपल सा पता है हमें। और जो एलाइलिक वाले अल्कोहल्स होते हैं, मतलब बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो ये इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि सभी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ये काम तो कर ही रहे, लेकिन ये इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा है कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट। कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट का मतलब क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी मतलब हमें सब्सट्रेट दिया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास 2 OH ग्रुप है, तो पहले किसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसको बोलते हैं कीमोसेलेक्टिविटी, मतलब किसको करेगा। ठीक है, तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक इक्वल प्रायोरिटी देते हैं। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल होता है तो इक्वल प्रायोरिटी का होता है। सेकेंड होता है इसके पास 2 डिग्री अल्कोहल, फिर होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है, मतलब किसको सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा, पहले एलाइलिक को करेगा, देन बेंजाइलिक को करेगा, देन 2 डिग्री को करेगा, देन 1 डिग्री ओल को करेगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज करना ये OH है और आपके यहाँ पे दिया हुआ है Ag2CO3 एंड देन सिलाइट। ठीक है, अब इसको करने से पहले आपको थोड़ी बहुत जो बात पता होनी चाहिए वो क्या होती है, आपके पास एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया रिएजेंट्स वाले लेक्चर में, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस साथ वाला जो कार्बन है, ठीक है, इसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा लिया, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाले कार्बन वाले जो डबल बॉन्ड, इनको क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन बोलते हैं इनको। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन होता है, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, और जिस साथ ग्रुप लगा हुआ है, मतलब एलाइलिक कार्बन के साथ वाला ग्रुप लगा हुआ, तो मतलब एलाइलिक ओल हो गए, मतलब अल्कोहल को ओल बोलते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप ओल हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक ओल है ये। ठीक है, ये हो गया विनाइलिक एलाइलिक। अब होमोलाइलिक की बात कर लेते हैं, क्या होता है, ये देखो ये हमारे विनाइलिक, ठीक है, वी से नोट कर रही हूँ, ये हो गया हमारा एलाइलिक, ये क्या हो गया हमारा होमोलाइलिक, मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन का ग्रुप मतलब कार्बन लगा होता है, वो क्या होगा, होमो एलाइलिक कार्बन हो गया वो। अगर यहाँ पे कुछ भी ग्रुप लगा, सपोज करो OH लगा दिया हमने, तो क्या बोलेंगे, होमोएलाइलिक ओल, मतलब होमोएलाइलिक अल्कोहल हो गया। ठीक है, और याद रखना ये होमोएलाइलिक को कुछ नहीं करता, जो हमारा फैटिजोन्स रिएजेंट है, ये तो मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है। उसके बाद आता है हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक कौन सा होता है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH2OH, तो बेंजीन रिंग से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन। तो ये वाला बेंजाइलिक कार्बन, तो ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल, तो मतलब इसको रिड्यूस करता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी, मतलब बस ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो ये क्वेश्चन बताते हैं। देखो इसमें हमारे पास क्या है, एक ही OH है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे और कोई OH भी होता तो हम क्या देखते, एलाइलिक पोजिशन देखते। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये कौन सा होगी, विनाइलिक, फिर इसके नेक्स्ट वाले कार्बन कौन सा होगी, ये होगी हमारी एलाइलिक कार्बन। अगर ये एलाइलिक कार्बन हो गया तो ये वाला OH ग्रुप रिड्यूस होगा। ठीक है, और ये कौन सा है, 1 डिग्री है, वैसे 1 डिग्री है लेकिन है तो एलाइलिक, तो इसको क्या बना देंगे, एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे, तो बाकी के सेम टू सेम ऐसा लिख देना, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे H जो बचा होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसमें चेंज हो गया हमारा, एल्डिहाइड में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपको ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको OH दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, OH एंड Ag2CO3 सिलाइट और यहाँ पे C6H6। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। देखो ये तो आपको बताया Ag2CO3 क्या करता है और सिलाइट क्या करता है, ये दोनों क्या फैटिजोन्स रिएजेंट है। अब C6H6 क्या है, ये तो हमारा बेंजीन है और हमें पता है बेंजीन क्या हमारा
एक तरह का सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो क्या करते हैं रिएक्शन में, कुछ काम ही नहीं करते, तो इसका मतलब इसका कुछ यूज नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला रिएक्शन करना है। तो देखो इसमें हमारे पास दो OH है, एक तो ये वाला OH है, एक ये वाला OH है। अब हमें देखना है कि इसमें से हम ऑक्सीडाइज किस वाले OH को करेंगे, तो कैसे देखेंगे हम। देखो जो वाला OH है ये कौन सा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कौन सा विनाइलिक OH है, बेंजाइलिक भी नहीं, क्योंकि CH होता बेंजीन के साथ, तो बेंजाइलिक भी नहीं है और एलाइलिक भी नहीं है, ठीक है। तो जो ये वाला OH है ये कौन सा, 2 डिग्री वो लोग, मतलब हम किसको रिड्यूस करवाएंगे, इसी को रिड्यूस करवाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये ऐसे कैसा, यहाँ पे OH, ये सेम टू सेम लगा देना, फिर यहाँ पे क्या है हमारी 6 मेंबर रिंग है और ये डबल बॉन्ड O, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिर्फ ये वाला OH है, सिर्फ इसको ही हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, विनाइलिक अल्कोहल हो गया, तो विनाइलिक वाला भी तो कुछ करता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं, देखो ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे भी OH लगा हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है Ag2CO3 एंड SiO2, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन से किसको रिड्यूस करेगा, देखो कैसे देखेंगे, ये वाला OH कौन सा है, 2 डिग्री वाला है, ठीक है। ये मैं आपको बताया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे देखते हैं, उसके लिए वीडियो देख लेना रिएजेंट्स वाली, या रिएजेंट्स वाली पूरी सीरीज भी देखना, काफी सारे रिएजेंट्स कवर करवाए हुए मैंने, तो आपको हेल्प मिलेगी काफी। तो देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया और ये कौन सा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, तो किसको करता है, हमने प्रेफरेंस देखा था एलाइलिक बेंजाइलिक को करेगा, उसके बाद 2 डिग्री करेगा, देन लास्ट में 1 डिग्री को करेगा, ठीक है। तो किसको करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कर देगा ऑक्सीडाइज OH डबल बॉन्ड O, मतलब सिंपल सा हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो बस यही था हमारा फैक्टिजोन रिएजेंट, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, बस आपको क्या याद रखना है कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और उसके बाद क्या याद रखना है, कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट है, और इसका जो कीमोसेलेक्टिविटी ऑर्डर है ये क्या है, पहले लाइलिक और बेंजाइलिक की इक्वल प्रायोरिटी होती है, देन 2 डिग्री करता है, देन 1 डिग्री को करता है। और आपको ये पता होना चाहिए एलाइलिक और कौन से होते हैं, होमोलाइलिक कौन से होते हैं, विनाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फैक्टिजोन रिएजेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।